हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अक्षय कुमार के साथ देखी सम्राट पृथ्वीराज, फिल्म को बताया वर्ल्ड क्लास। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की नई फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को दिल्ली के चाणक्यपुरी पीवीआर में देखा और कहा कि ये पहली बार है कि जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के संघर्ष को भारत में भारतीय भाषा में और भारतीय दृष्टिकोण से लिखा गया है। फिल्म को वर्ल्ड क्लास बताते हुए उन्होंने कहा, हमने पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये दूसरों द्वारा लिखा गया है। ये पहली बार है कि जब हम इसे भारतीय दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अब हम इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण से देखने लगे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत, सरकार वाह दत्तात्रेय होसबले, कृष्ण गोपाल, मनमोहन वेद, भैयाजी जोशी, प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर और सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर सहित संघ के पदाधिकारियों के लिए विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गयी थी। स्क्रीनिंग में अक्षय कुमार भी मौजूद रहे। भागवत ने कहा कि भारत के सम्मानों की रक्षा के लिए भारतीयों को उसी तरह एक साथ लड़ना होगा जैसे इस फिल्म में शक्तिशाली नायकों को दिखाया गया है। इससे पहले गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नई फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग देखी। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक विशेष स्क्रीनिंग में फिल्म देखी और कहा कि फिल्म महिलाओं के सम्मान और उन्हें सशक्त बनाने की भारतीय संस्कृति को दर्शाती है। अमित शाह ने कहा, 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और 2014 में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का युग शुरू हुआ। ये एक बार फिर से देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां हम कभी थे। जागरूक टीवी के लिए नई दिल्ली से खास रिपोर्ट।